दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूं हिंदी कहानी पॉडकास्ट की मूल रचना कहानी मिसिंग। परिंदा तिनका तिनका जोड़कर अपना आसियां बनाता है, तिनका तिनका चोंच में डाल अपने बच्चों को पालता है, और फिर एक दिन बच्चे बड़े हो जाते हैं और घोंसला छोड़कर उड़ जाते हैं, मुड़कर भी नहीं देखते। सुबह के 7 बजे स्वर्ण जयंती पार्क इंदिरापुरम गाजियाबाद। सेना से रिटायर्ड कैप्टन विक्रांत सिंह पार्क की बेंच पर अपने दोस्त निर्मल के साथ बैठे हैं। वो किसी को फोन कर रहे हैं। हेलो, हाँ बेटा, बेटा विराट, मैं पापा बोल रहा हूँ। हाँ हाँ, वो निर्मल अंकल के फोन से। हेलो हेलो, क्या हुआ, काट दिया ना? बिजी था। तुम क्या जानो बिजी होना क्या होता है, दिन भर काम लगा होता है। ये लो अपना फोन, तुम्हारे बेटे की तरह निकम्मा नहीं है मेरा बेटा। अब जाओ दौड़ना शुरू करो। अरे मुंह क्या देख रहे हो मेरा? निर्मल बवेजा कैप्टन से फोन लेने के बाद पार्क का चक्कर लगाने निकल जाते हैं। वहीं बेंच पर कैप्टन दुख और हताश के साथ अकेले बैठे कुछ सोचने लगे। रात के 9 बजे कैप्टन विक्रांत के घर पर। मनोज, डिनर रेडी है ना, तो बाजार से दही ले आना। वो क्या है ना कि विराट को आलू पूरी के साथ दही बहुत पसंद है। हरी अप, विराट के आने से पहले ये काम खत्म करो। पर सर, एक बार फोन करके पूछ लेते। नहीं नहीं, मतलब विराट भैया और भाभी आने वाले भी हैं कि नहीं चिंटू बाबा के साथ? वो क्या है ना कि मेरे को ही खाना पड़ता है सब बाद में। लास्ट टाइम भी 3 दिन तक मैंने ही खाया था सारा खाना। चुप कर, विराट ने मुझसे वादा किया है कि वो बहू और चिंटू को लेकर संडे को डिनर पर जरूर आएगा, और आज संडे है। तू जल्दी से दही लेकर आ, वरना नौकरी से निकाल दूंगा, जा। रिटायर्ड कैप्टन विक्रांत सिंह गाजियाबाद स्थित अपने आसियाने में अपने बेटे और उसकी फैमिली की पल पल राह देख रहे थे। मेज पर डिनर रेडी था। ऐसा पहले भी हुआ था, ज्यादा नहीं 20-25 किलोमीटर दूर दिल्ली से उनका बेटा अभी तक पहुंचा नहीं था, और तुनक मिजाज फौजी बाप बेचैन हो रहा था। हेलो बेटा विराट, अरे कहाँ हो बेटा तुम? रात के 11 बज गए हैं। मैंने सब तुम्हारी पसंद का डिनर बनाया है बेटा, चिंटू के लिए गिफ्ट भी लाया हूँ। डैड सॉरी, आज कुछ काम में फंस गया हूँ, नहीं आ पाऊंगा। बेटा संडे को भी काम? अरे 1 से 1.5 घंटा लगता है दिल्ली के तुम्हारे फ्लैट से यहाँ आने में। तुम्हारे पास कभी मेरे लिए टाइम नहीं होता विराट। डैड प्लीज, रखता हूं, बाद में बात करूंगा। विराट विराट, फोन मत काटना प्लीज। काट दिया, बाप से बात करने का टाइम ही नहीं है इसके पास। काम काम बस काम, पाल पोस कर बड़ा किया है। मनोज विस्की लेकर आओ। मनोज कहां मर गए? सर जाके विस्की लेकर आ। जाने दो ना सर, आप तो खाना खा लो। तुझसे जितना कहा जाए उतना ही कर, जा विस्की लेकर आ फौरन। वो सर विस्की खत्म हो गई है सर। जब खत्म हो जाती है कोई चीज तो बताना चाहिए ना। ये पकड़ो पैसे और जल्दी लेकर आ। इडियट, किसी काम के नहीं हो तुम, दोबारा ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। फास्ट मूव। अगले दिन सुबह के 9 बजे पता नहीं ये मनोज क्या कर रहा है, मुझे और भी घरों में काम करने का है रे बाबा। अरे क्या रे मनोज, कब से बेल बजा रही मैं, मेरे को और भी घरों में काम है रे बाबा। अरे आंख ही नहीं खुली मेरी। वो क्या है ना कि रात में थोड़ी सी ज्यादा हो गई अंजू, लगता है साहब ने तेरा कान पकड़ के नहीं उठाया। अरे अंजू क्या बोलती है, साहब ही नहीं उठे अभी तक, जा रहा हूं देखने। अंजू तू अपनी जुबान बंद रखना,
नहीं तो साहब खामखा परेड करवा देंगे। मनोज दरवाजे को हल्का धक्का देता है तो पाता है कि दरवाजा खुला है। कमरे में सब तरफ देखने के बाद लगता है अभी तक नहीं लौटे हैं मॉर्निंग वॉक से। चलो अच्छा ही हुआ कि नहीं आए अभी तक, नहीं तो खामखा बुम्बाबू करते। चलो बाहर देखता हूं। ए अंजू तू यहां सफाई कर ले, साहब नहीं है अभी, मैं साहब को नीचे देखता हूं। मनोज सोसाइटी गार्ड रूम के पास पहुंचकर गार्ड से पूछता है, एक तूने साहब को देखा क्या? हाँ देखा ना, रात में देखा 3:30 बजे। 3:30 बजे? तेरे को कैसे मालूम, तू तो अभी आया होगा ना, दिन की ड्यूटी होती है ना तेरी। डबल ड्यूटी है मेरी, वो रात वाले ने छुट्टी कर लिया ना। रात में जैसे ही मेरी आंख लगी ना, गाड़ी की आवाज सुना मैं, देखा तो कैप्टन साहब की गाड़ी थी। मैं भाग कर गेट खोला, मैंने देखा कैप्टन साहब अपनी गाड़ी में बाहर जा रहे थे। सेना के रिटायर्ड कैप्टन विक्रांत सिंह को गायब हुए कुछ घंटे बीत चुके थे। बेटा विराट को फुर्सत ही नहीं थी और नौकर मनोज को कुछ सूझ नहीं रहा था। वो शहर के सभी जानकार लोगों को फोन मिला चुका था, हर जानकार गली मोहल्ले में कैप्टन को तलाश चुका था, पर यूं अचानक कैप्टन कहां चले गए थे? नौकर मनोज की सूचना पर कैप्टन की बहन सुनीता चौहान फरीदाबाद से गाजियाबाद आ पहुंची और आते ही मनोज के साथ उन्होंने राजनगर पुलिस स्टेशन का रुख किया। इंस्पेक्टर कामत, मैं गीता चौहान, कैप्टन विक्रांत चौहान की बहन, कल रात से गायब है भैया। मनोज ने फोन कर बताया मुझे, बहुत चिंता हो रही है, इसलिए भागी भागी आई यहाँ फरीदाबाद से। एक तो वैसे ही गुस्सा बैठा रहता है उनकी नाक पर, मुझे डर है कि कहीं गुस्से में घर छोड़कर ना चले गए हो। मनोज तुम्हें कैसे पता चला कि कैप्टन साहब गायब हैं? साहब वो सोसाइटी का सिक्योरिटी गार्ड ने बोला मेरे को कि कल रात को 3:30 बजे हमारे साहब अपनी गाड़ी से न जाने किधर को निकल गए। तब तू क्या कर रहा था? मैं तब सो रहा था ना साहब। कैप्टन साहब रात को चले गए और तुझे कुछ पता नहीं चला? ऐसा तो हो नहीं सकता, कैप्टन साहब ने दिन में कुछ तो तैयारी की होगी और रात में जब दरवाजा खोला होगा तो तुझे कुछ जरूर सुनाई दिया होगा। वो संडे था ना सर, तो इसलिए थोड़ा ज्यादा हो गया था सर। कैप्टन सर ने तो खाना भी नहीं खाया था सर, वो उनका बेटा विराट आने वाला था ना फैमिली के साथ डिनर पर, मगर वो आया ही नहीं। कप्तान साहब बहुत गुस्से में थे, इसलिए मैंने भी डिस्टर्ब नहीं किया। सोचा बाप बेटे का मामला है, मैं काहे को बीच में पड़ूं, और वैसे भी हमारे कैप्टन साहब बहुत डेंजरस हैं, गुस्से में आकर गोली वोली मार देंगे तो क्या भरोसा। सुनीता जी, कैप्टन साहब का बेटा यानी आपका भतीजा कहाँ रहता है? सर वो दिल्ली के तिलक नगर में रहता है। तो क्या उसे पता नहीं कि कैप्टन साहब गायब है? नहीं नहीं मालूम है ना, मैंने ही तो फोन कर बताया है उसे। तो फिर वो आया क्यों नहीं? उसे कहाँ फिक्र भैया की, उसने तो मनोज से कह दिया कि गए होंगे कहीं घूमने। जब से विराट की शादी हुई है तब से विराट भाई के साथ नहीं रहता, उसे और उसकी बीबी को भाई के साथ रहना अच्छा नहीं लगता, शायद इसी कारण भाई थोड़े चिड़चिड़े रहते थे। एक ही तो बेटा है उनका, न ठीक से बात करता है न ख्याल रखता है। उनके बेटे विराट को कैसे पता है कि कैप्टन साहब घूमने गए हैं? वो क्या है ना साहब कि हमारे साहब की आदत है, वो जाते हैं बीच बीच में 8-10 दिन घूमने के लिए। हाँ
लेकिन जब भी जाते हैं मेरे को बोल के जाते हैं। ये तो फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है साहब कि आधी रात को गए और कुछ बोला ही नहीं, इसलिए चिंता हो रही है साहब। और उनका फोन भी बंद आ रहा है। अब आप ही बताइए, कोई जाता इस तरह बिना बताए आधी रात को घूमने? कोई लेटर वगैरह या मैसेज छोड़ गए हैं? नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं है, पर हाँ एक ट्रैवलिंग बैग और कुछ कपड़े नहीं हैं। दयाल, सुनीता जी से कैप्टन साहब की लेटेस्ट फोटो ले लो और सारे डिटेल्स नोट कर लो। अगले दिन सुबह कैप्टन विक्रांत सिंह के घर पर। बुआ बुआ, क्या जरूरत थी पुलिस कंप्लेन लिखवाने की? और ये मनोज, ये तो है ही गंवार, और आप भी इसकी बातों में आ गई। मनोज, तुझे पता नहीं पापा की आदत के बारे में? उनका जब भी मूड बनता है वह बाहर घूमने के लिए चले जाते हैं। अरे आ जाएंगे वापिस, याद है ना तुझे 2 साल पहले क्या हुआ था? मनाली चले गए थे 10 दिनों के लिए और 10 दिन में सिर्फ एक ही बार कॉल किया था। आपकी बात बराबर है भैया, पर वो मेरे को बोल के जाते हैं, फोन करते रहते हैं। इस बार तो उनका फोन भी बंद है ना। सिंपल सी बात है, मोबाइल में नेटवर्क नहीं होगा या फिर फोन की बैटरी चली गई होगी। अब पुलिस पापा को लेकर दुनिया भर के सवाल करेगी और लोग पापा के बारे में 10 तरह की बातें करेंगी, वो अलग, बेवकूफ कहीं का। दोपहर को राजनगर पुलिस स्टेशन में। दयाल, ये नौकर मनोज के हिसाब से कैप्टन साहब कभी भी बिना बताए घर से बाहर नहीं जाते, उनका फोन भी बंद है, ऊपर से उन्होंने किसी को कांटेक्ट भी नहीं किया है। सीनियर सिटीजन है, फौज से रिटायर्ड हैं। इस केस पर हमें स्पेशल फोकस देना होगा। उनकी कार के बारे में कुछ पता चला? अभी नहीं सर, अभी कुछ भी पता नहीं चला, पर मैंने डिटेल्स शेयर कर दिया है। दयाल, ये बाप बेटे में बनती नहीं थी, एक बार मैं उससे मिल लेता हूं। तुम ये पता करो कि कैप्टन विक्रांत के गायब होने वाले दिन उनका बेटा कहां पर था। मैं नौकर मनोज को साथ ले लेता हूं, पुराना नौकर है, बाप बेटे के रिश्ते को अच्छी तरह समझता होगा। कुछ देर बाद इंस्पेक्टर कामत और घर का नौकर मनोज पुलिस जीप से कैप्टन विक्रांत के बेटे विराट के घर तिलक नगर दिल्ली जाते हुए। अच्छा मनोज, एक बात बता, ये कैप्टन साहब और उनकी बहन के बीच कैसा रिश्ता था? साहब, बेटे से जब भी गुस्सा होते थे तो साहब बहन के घर ही जाते थे। और बेटे के साथ? बेटा तो फोन करके पूछता तक नहीं था उनको। हाँ, एक बार घर आया था हम लोगों पर चिल्लम चिल्ली करने, बोल रहा था क्या जरूरत थी पुलिस कंप्लेन करने की। वो तो अपनी सगी बुआ से लड़ रहा था कि मिसिंग रिपोर्ट करवाने की क्या जरूरत थी। क्या कैप्टन साहब और उनके बेटे के बीच हाल फिलहाल में कोई झगड़ा हुआ था? साहब, कैप्टन साहब का बेटा तो साल में एक आध बार ही आता था। हाँ, जब भी आता झगड़ा जरूर होता था साहब। हाँ, इधर से गुजर रहा था, सोचा आपसे मिल लूं। तो क्या सोचा है आपने पापा? मैं यहां चिंटू से मिलने के लिए तड़प रहा हूं और तुम हो कि पापा? पापा, चिंटू से तो आप कभी भी मिल लेंगे, लेकिन इस फ्लैट को बेचने के बारे में क्या सोचा है आपने? एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है मेरे पास, मैं अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता हूं। पापा, तुम्हें सिर्फ इस फ्लैट में इंटरेस्ट है, अपने बाप में नहीं। मुझे लगा तुम इतने महीने बाद अपने पापा से मिलने आए हो, और तुम? पापा प्लीज डोंट बी सो इमोशनल। अरे प्रैक्टिकल सोचिए, इतना बड़ा टेरेस फ्लैट है और आप इस फ्लैट में अकेले रहते हैं, हम आपके लिए 1 BHK भी तो ले सकते हैं ना? नहीं, ये फ्लैट मैं अपनी जिंदगी रहते हुए कभी नहीं बेचूंगा। इसमें तेरी माँ की यादें जुड़ी हैं, तेरा बचपन जुड़ा है, मेरी अच्छी यादें जुड़ी हैं। तो आप भी सुन लीजिए पापा, मैं और मेरी वाइफ यहां रहने कभी नहीं आएंगे। अब आप ही बताइए साहब,
बाप के लिए टाइम नहीं और बाप के फ्लैट को बेचकर पैसा चाहिए। कुछ देर बाद विराट के घर तिलक नगर दिल्ली। कमाल है मिस्टर विराट, ऐसा लगता है जैसे नौकर मनोज को ज्यादा फिक्र है आपके पापा की आपसे। अरे सर, पापा ने उसे बिगाड़ रखा था, सर पर बिठा रखा था आपने। क्यों, आप तो कैप्टन साहब की इकलौती औलाद है, आपको सर पर नहीं चढ़ाया? क्या मतलब? मतलब क्या है सर आपका? मतलब ये कि आपके पापा और आपके बीच गाजियाबाद वाले फ्लैट को लेकर झगड़े नहीं हुए थे? ओ, तो मनोज ने चुगली की है आपसे, बात सच है कि नहीं? सर, बाप बेटे के बीच प्रॉपर्टी को लेकर बहस नहीं हो सकती क्या? आप जानते होंगे मिस्टर विराट, बाप बेटे के बीच प्रॉपर्टी को लेकर बहस ही नहीं, बहुत कुछ हो जाता है। व्हाट डू यू मीन, आप कहना क्या चाहते हैं? आप मुझ पर शक कर रहे हैं? आपको यकीन नहीं कि पापा सेफ हैं और घूमने गए हैं? वेट अ मिनट, आई विल शो यू। ये देखिए सर, ये SMS देखिए। अगर पापा को मुझ पर विश्वास नहीं होता तो उनका अकाउंट नंबर मेरे मोबाइल के साथ लिंक्ड अप नहीं होता। उनके अकाउंट में जो भी ट्रांजैक्शन होगा सबसे पहले SMS मुझे आएगा। ये देखिए ये SMS, झांसी में कल 50,000 रुपए विड्रॉल किया है पापा ने, और ये SMS तो 2 दिन पुराना है। अब आप बैंक के आए हुए SMS पर यकीन करेंगे या घर के नौकर मनोज? मिस्टर विराट, आपको बता दूं कि ट्रस्ट पे इन्वेस्टिगेशन नहीं होता है, इन्वेस्टिगेशन डाउट पर होता है। हमें आपके पापा के बैंक डिटेल्स और इस SMS की कॉपी अभी और इसी वक्त चाहिए। शाम को 3:30 बजे राजनगर पुलिस स्टेशन में। कामत सर, कैप्टन साहब के अकाउंट से 50,000 रुपए विड्रॉल हुए हैं झांसी ब्रांच से, वो भी सेल्फ चेक से। इतना ही इंफॉर्मेशन मिला है सर। दयाल, जरा सोचो, कैप्टन झांसी में है, बैंक से पैसे भी निकले हैं, फिर अब तक कांटेक्ट क्यों नहीं किया किसी से? झांसी ऐसी जगह तो नहीं जहां मोबाइल नेटवर्क नहीं? फिर उनका मोबाइल फोन स्विच ऑफ क्यों है? सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि कैप्टन साहब खुद को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं सबसे? सर, बाप बेटे के बीच प्रॉपर्टी को लेकर झगड़ा है, तो हो सकता है कैप्टन साहब बेटे से नाराज हो इसलिए बेटे को फोन नहीं कर रहे हो। तो दयाल, कैप्टन साहब अपने नौकर मनोज या अपनी बहन सुनीता को तो फोन कर सकते हैं ना? गुस्सा बेटे पर है, नौकर और बहन पर तो नहीं? रात को 3:30 बजे कैप्टन का घर से निकल जाना, वो भी बिना किसी को बताए, और तब से लेकर अब तक उनका किसी से भी कांटेक्ट नहीं करना, ये कोई सिंपल सा मिसिंग केस नहीं है दयाल। उस रात कुछ तो गलत जरूर हुआ है। कैप्टन अपनी कार से झांसी तो नहीं गए होंगे, और अपनी मर्जी से गए हैं तो अपनी कार कहीं ना कहीं पार्क तो जरूर की होगी, और अगर उन्हें जबरदस्ती ले जाया गया है तो ले जाने वाले ने जरूर गाड़ी इधर उधर छोड़ दी होगी। दयाल, अब इस कार का मिलना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। हेलो, राजनगर पुलिस स्टेशन, इंस्पेक्टर कामत स्पीकिंग। क्या, आर यू श्योर? ओके, हम अभी पहुंचते हैं। दयाल, हरी अप, सिटी फॉरेस्ट में कैप्टन की कार मिल गई है, जल्दी करो। कुछ देर बाद सिटी फॉरेस्ट में। जंगल का चप्पा चप्पा छान मारो, कुछ ना कुछ तो जरूर मिलेगा। सर, कार की पिछली सीट पर खून के निशान मिले हैं, गाड़ी की इन्वेस्टिगेशन जारी है। ये केस मिसिंग का नहीं है दयाल, इसका मुझे पहले से ही अंदाजा था। गाड़ी में खून के निशान का मिलना, ये हत्या का मामला है। चलो कैप्टन के घर चलकर तलाशी लेते हैं। कुछ देर बाद कैप्टन विक्रांत के घर गाजियाबाद।
कामत सर, मैंने वॉश बेसिन का पूरा एरिया चेक किया, मुझे हैंड वॉश के नीचे ब्लड के स्टेन मिले और कैप्टन साहब की इस राइफल पर भी ब्लड के स्टेन हैं। दयाल, मुझे इन सब की जांच रिपोर्ट जल्द से जल्द चाहिए। गाड़ी में मिले खून के निशान और इस राइफल पर मिले खून के निशान दोनों को मैच कराओ। दयाल, वो नौकर मनोज कहाँ है? सर, वो बाहर ही खड़ा है, उसे तुरंत हिरासत में लो। उस रात कुछ ना कुछ तो इस घर में जरूर हुआ है और वो एक अकेला शख्स है जो कैप्टन के अलावा घर में मौजूद था। ओके सर। रात के 9 बजे राजनगर पुलिस स्टेशन में। हाँ सर, मैं ही था उस दिन रात को घर में। उस दिन हमारे साहब बहुत खुश थे, उनका बेटा अपनी बीबी बच्चों के साथ आने वाला था घर पर, लेकिन 11 बज गए फिर भी उनका बेटा नहीं आया सर। मनोज, मनोज विस्की लेकर आओ। वो विस्की खत्म हो गई है सर। जब खत्म हो जाती है विस्की तो लेकर आना चाहिए ना। इडियट, ये लो पैसे। जब मैं विस्की लेकर घर पर आया तो 12:45 बज गए थे साहब। मैंने साहब के कमरे में बाहर से आवाज लगाई, 2 बार आवाज दिया। जब साहब के कमरे से आवाज नहीं आई तो मैंने सोचा कि वो सो गए होंगे। मैं भी 2-4 पैग लगाकर सो गया साहब। चुप। कैप्टन साहब की गाड़ी और राइफल पर खून के निशान मिले। खून? कैसा खून सर? तूने बताया कि तूने कैप्टन साहब को आवाज दी। हाँ, लगाई थी आवाज साहब, लेकिन अंदर जाके नहीं देखा तूने कि कैप्टन साहब हैं कि नहीं। साहब, एक बार हमारे साहब कमरे में गए ना तो बाहर से ठक ठक आने का भी नहीं था। दयाल, इसे लॉकअप में रखो और तबियत से पूछताछ करो, इसका ब्लड सैंपल भी लो। अरे नहीं साहब, मैंने तो सब कुछ बता दिया, मुझे जाने दीजिए साहब। अगले दिन विराट के घर तिलक नगर दिल्ली में। मिस्टर विराट, अब तक तो आपको पता चल गया होगा कि ये केस एक मिसिंग केस नहीं बल्कि उससे कहीं ज्यादा है। आपके पापा के घर और गाड़ी दोनों जगह से हमें खून के निशान मिले हैं। मुझे बहुत चिंता हो रही सर, मुझे मेरे पापा की बहुत चिंता हो रही है। बहुत देर कर दी मिस्टर विराट चिंता करने में। वैसे चिंता करनी है तो एक बात की चिंता कीजिए, कैप्टन साहब के गायब होने वाले दिन यानी 23 नवंबर की रात आप अपने पापा के घर से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर थे। हाँ, मैं उस इलाके में था सर। ये बात आपने हमसे छुपाई क्यों? मुझे ये बात इतनी इम्पोर्टेंट नहीं लगी सर। 1 किलोमीटर की दूरी पर अपने पापा से मिलने नहीं जाना, ये इम्पोर्टेंट नहीं है या फिर आपके पापा इम्पोर्टेंट नहीं है मिस्टर विराट? नहीं सर, आप गलत समझ रहे हैं। मेरी वाइफ की मेरे पापा से जरा भी नहीं बनती, उनके डिसिप्लिन नेचर की वजह से वहां पर जाना उसे पसंद ही नहीं था। जरा हमें भी तो बताइए कि आपकी वाइफ को आपके पापा से क्या प्रॉब्लम थी। सर, पापा के साथ रहने का मतलब है कि आर्मी के रूल्स को फॉलो करना, 6 बजे सुबह उठ जाओ, रात को 9 बजे सो जाओ, सुबह जॉगिंग पर जाओ, वगैरह वगैरह। ये सारे रूल्स पूरी फैमिली के लिए थे सर, इसीलिए मेरी वाइफ वहां जाना बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। और उस रात तो हम पापा के यहाँ डिनर पे गए ही नहीं, पास के रेस्टोरेंट में डिनर कर रहे थे। आपको चाहिए तो मैं पेमेंट रिसिप्ट दे सकता हूँ सर। कमाल है मिस्टर विराट, आज बिना पूछे ही आप हमें एविडेंस बता रहे हैं। दिल्ली तिलक नगर से आप गाजियाबाद फैमिली के साथ जाते हैं पर पापा के घर न जाकर पास के रेस्टोरेंट में डिनर करते हैं। वाह कमाल है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा मिस्टर विराट, आपके पिता गायब हैं और आप एकदम रिलैक्स। आप कैसी बात कर रहे हैं सर, वो मेरे पापा हैं। मैं मानता हूं कि मैंने इस बात को इतना सीरियसली नहीं लिया, लेकिन ये सब क्या हो रहा है कुछ भी पता नहीं। अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं तो ये देखिए, 2 दिन पहले 50,000 विड्रॉल किए गए और कल 75,000 रुपए। ये सब देखकर मैं क्या समझूं, आप ही बताइए ना। पुलिस चौकी लौटते हुए रास्ते में
कामत सर, पिछले 12 दिन में कैप्टन के अकाउंट से 1,25,000 निकाले गए हैं। 50,000 झांसी से निकाले गए और 75,000 आगरा से निकाले गए। सर ये बात नॉर्मल नहीं है। दयाल ये पता करो कि बैंक से पैसे कैप्टन ने ही विड्रॉल करा है या कोई और। सर राइफल पर कैप्टन की उंगलियों के निशान मिले हैं, लेकिन जो ब्लड सैंपल हमें उनकी गाड़ी और घर से मिले हैं उसका ब्लड ग्रुप न तो कैप्टन से मैच करता है, न ही उनके बेटे विराट से और न ही नौकर मनोज से, वो किसी और के हैं सर। दयाल ये तीसरा है कौन? कहीं ऐसा तो नहीं कि उस रात कैप्टन ने कत्ल किया हो? जिसे हम शिकार समझ रहे हैं वो शिकारी हो? हो सकता है कैप्टन लाश को ठिकाने लगाने के बाद भागते फिर रहे हो। मनोज रिमांड पर है सर, उसका क्या करना है? वार्निंग देकर छोड़ दो उसे, और हमसे पूछे बिना ये शहर नहीं छोड़ेगा वो। दयाल गाड़ी कैप्टन विक्रांत के घर की तरफ मोड़ लो। ओके सर। कुछ देर बाद कैप्टन विक्रांत की सोसाइटी गेट पर। साहब उस रात तो मैं गाड़ी के हॉर्न से जागा था, पर हाँ साहब गाड़ी कैप्टन साहब की ही थी। गाड़ी के अंदर कैप्टन साहब थे? पक्का नहीं बोल सकता साहब। दयाल मतलब साफ है, गार्ड ने कार देखी, कार में किसी को देखा, लेकिन कार के हेडलाइट चालू होने के कारण वो पहचान नहीं पाया। सबसे बड़ी बात, गार्ड उस वक्त नींद में था, और अक्सर ऐसे समय दिमाग खुद ब खुद कुछ तस्वीर बना लेता है, और हो सकता है इसी की वजह से उसे ऐसा लगा होगा कि कैप्टन साहब को गाड़ी से बाहर जाते देखा है, या फिर कोई और गया जिसे ये देख नहीं पाया। हो सकता है सर। दयाल कैप्टन की वसीयत के हकदार दो शख्स हैं, एक उनका बेटा, दूसरी बहन। प्रॉपर्टी पर नजर उनके बेटे की है। घर से मिले खून के निशान इस बात के सबूत हैं कि उस रात उस घर में कोई ना कोई वारदात जरूर हुई है। कहीं ऐसा तो नहीं कि कैप्टन साहब ने बेटे को जायदाद से बेदखल कर दिया हो और तैश में आके बेटे ने बाप को मरवा डाला हो, और किसी आदमी को इस काम पर लगा डाला हो कि रेगुलर इंटरवल पे बैंक से पैसे विड्रॉल करते रहो ताकि किसी को शक ना हो और लगे कि कैप्टन साहब जिंदा हैं। कैप्टन साहब का कोई ना कोई तो लीगल एडवाइजर जरूर होगा। पता लगाओ दयाल कि वो लीगल एडवाइजर कौन है। अगले दिन दोपहर को वकील मेहता के ऑफिस में। जी मैं आनंद मेहता, मैं कैप्टन साहब का न सिर्फ लीगल एडवाइजर हूं बल्कि उनका पुराना दोस्त भी हूं। कैप्टन साहब वसीयत बनाने का इरादा तो रखते थे, इस बारे में मेरी उनसे बात भी हुई, लेकिन फाइनल ड्राफ्ट नहीं बन सका। तो मिस्टर मेहता आपकी जानकारी में कैप्टन साहब ने अपना फ्लैट और बाकी के जायदाद किसके नाम की? बेटे के नाम, उनका एक ही बेटा है। क्यों, उनकी तो एक बहन भी है, हो सकता है कुछ हिस्सा बहन के नाम भी किया हो। कैप्टन साहब अपने बेटे से नाराज जरूर थे, लेकिन फिर भी जहां तक वसीयत का सवाल है वो अपने बेटे के नाम ही करना चाहते थे। ठीक है मेहता साहब, कुछ और जानकारी चाहिए होगी तो आपको याद करूंगा, चलता हूं। माय प्लेजर इंस्पेक्टर कामत। कुछ घंटे बाद राजनगर पुलिस स्टेशन में। हाँ बोलिए डॉक्टर देशपांडे। सर कार में मिला खून का सैंपल कैप्टन के घर में मिले खून के सैंपल से बराबर मैच होता है, मगर एक बेहद इंटरेस्टिंग फैक्ट मालूम चला है, और वो ये है कि इस आदमी का डीएनए एक और आदमी के डीएनए से मैच होता है, और वो कैप्टन का बहुत करीबी है। किससे? ओह ओके आई गॉट इट, थैंक यू डॉक्टर देशपांडे। दयाल जिंदगी का सफर रहस्यों से भरा है, यहां राह चलते कौन सामने आ जाए कहना मुश्किल है। कैप्टन के पैसों पर सेंध लगाने वाला पकड़ा गया, घर और गाड़ी में मिले खून के धब्बों का डीएनए एक ही आदमी का मिला, और डीएनए भी उसका जो अब तक बेकसूर बना सबको गुमराह करता रहा। कुछ घंटों बाद राजनगर पुलिस स्टेशन में। लॉकअप में मनोज के साथ मिलिंद की जबरदस्त कुटाई हुई।
हाँ हाँ साहब, मिलिंद मेरा चचेरा भाई है, पर हमने कुछ नहीं किया है। चुप! अब तक हम सोच रहे थे कि कैप्टन का बेटा ही हमें घुमा रहा है। लेकिन घुमा तो तुम हमें रहे थे मनोज, तेरी कुंडली तो छप चुकी है, सारी कहानी हमारी समझ में आ चुकी है। अब सीधे सीधे सच बता, वरना बोटी बोटी अलग कर दूंगा। बोल या दयाल का डंडा बोलेगा। बताता हूं साहब, मैंने कैप्टन साहब से कर्जा लिया था। देख मनोज, पहले वो 50,000 लौटा जो मैंने तुझे दिए थे। दे दूंगा ना सर, वो भी दे दूंगा, किधर भाग के जाऊंगा। 10 सालों से आपका नौकर हूं, 10 सालों से आपकी सेवा कर रहा हूं सर, मुझे बस 1 लाख चाहिए। वैसे भी आपके पास क्या कमी है सर? कमी नहीं का क्या मतलब, लुटा दो तुझ पर। अरे बेटा है मेरा, पोता है मेरा, तो वो आते हैं क्या आपको देखने? कभी आपका दवा पानी खाना पीना सब इंतजाम तो मैं ही करता हूं, जो पिछले 10 साल से आपकी सेवा कर रहा है उसे 1 लाख नहीं दे सकते, और ऐसी औलाद को दे रहे हैं जो थूकती भी नहीं आप पर। सेटअप मेरे को सेटअप कर सकते हैं आप, नौकर हूं ना मैं, मगर सच तो ये है कि वो किसी काम के हैं आपके लिए। आप उनके लिए खाना बनाते हो, पर खाना मुझे पड़ता है। वो आपकी बहू नफरत करती है आपसे, नफरत, और ऐसे परिवार पर सब कुछ लुटाना चाहते हो आप। अरे आपका कोई दूसरा बेटा होता ना तो कम से कम 2-4 दिन के लिए तो पोते को छोड़कर जाता आपके पास, पर विराट भैया तो वो भी नहीं करते, और उन्हें सब कुछ देने चले हो। वाह सर वाह। देख नालायक, अपनी वसीयत का 1 हिस्सा तुम्हारे नाम भी किया था मनोज, लेकिन आज मुझे तेरी नीयत में खोट नजर आ रहा, इसलिए मैं इस वसीयत को फाड़ता हूँ। नहीं सर, ऐसी गलती नहीं होगी। सॉरी सर, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। सॉरी सर, माफ कर दो सर। सुन, मैंने तुझ पर भरोसा किया था जो आज टूट गया। अगर फौजी का भरोसा 1 बार टूट जाए तो दोबारा वो गलती नहीं करता। वंस ए ट्रेटर इज ऑलवेज ए ट्रेटर। अब पहले तुम मुझे वो 50,000 रुपए लौटाएगा, उसके बाद अपना हिसाब कर और दूसरी नौकरी ढूंढ। मेरे को लगा कि कैप्टन साहब का गुस्सा 1-2 दिन में ठंडा हो जाएगा, पर इस बार तो उन्होंने ठान ही लिया था कि मेरे को काम से निकाल देंगे। तब मैंने अपने चचेरे भाई मिलिंद को बुलाया। मिलिंद जाली साइन करने में मास्टर था, और उस रात को जब उनका बेटा घर नहीं आया तब कप्तान साहब बहुत दुखी हो गए थे। मैं जानता था कि हर बार की तरह इस बार भी कप्तान साहब का बेटा डिनर पर नहीं आएगा, तो मिलिंद को मैं पहले से बुलाकर रखा था। जब कप्तान साहब दुखी कमरे में गहरी सोच में बैठे थे तभी मिलिंद उन पर अटैक करने कमरे में गया, पर कप्तान साहब ने पास में रखी राइफल के बट से मिलिंद को घायल कर दिया। इसी छीना झपटी में मैंने और मिलिंद ने नायलोन की रस्सी से कप्तान साहब का गला घोट दिया। इसके बाद मैंने कप्तान साहब के कपड़े पहने, उनकी कैप लगाई और मिलिंद की मदद से कप्तान साहब की लाश गाड़ी में रखी। मिलिंद सीट के नीचे छुप गया। हेडलाइट की रोशनी में गार्ड को लगा कि कप्तान साहब गाड़ी चला रहे। उस बेवकूफ ने तो हमें सैल्यूट भी बजाया। मिलिंद ही अलग अलग शहर से कप्तान साहब के नकली साइन करके पैसे निकालता रहा। दयाल, जहां संवेदना घटी वही अपराध हुआ, और अपराध तब हुआ जब रिश्ते बिखर गए। विराट अपने पिता के प्रति थोड़ा संवेदनशील होता तो शायद मनोज जैसे लोग की हिम्मत ही नहीं पड़ती। एनीवे दयाल, केस इज सॉल्व्ड नाउ। अभी आप सुन रहे थे हिंदी कहानी पॉडकास्ट की मूल रचना कहानी मिसिंग। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, एपिसोड को लाइक करें। धन्यवाद।